हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 7 क्या कर रहा है कि इन फिगर 7.139 डीई पैरेलल टू बीसी सच दैट ए इक्वल टू 1/4 ऑफ एसी, ए जो है 1/4 है एसी का, एंड इफ ए बी इक्वल टू में यहां पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी, ये फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है पहले इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बीसी such that a equal to 1/4 of ac and ab equal to में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर to find ad। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए क्या होता है। आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग सिमिलरिटी देख रहे हैं तो उसी से ही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही बन सकता है क्योंकि हमें इन दोनों का जिक्र नहीं है पैरेलल साइड का, यही साइड वाले का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज गिवन है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू में एंगल B, एंगल D इक्वल टू में एंगल B हो जाएगा और एंगल E इक्वल टू में एंगल C हो जाएगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे तो ट्रायंगल ए डी ई जो होगा सिंगलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तब हम लोग लिख सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर आप देख लो, हमें ए डी निकालना, ए डी लेते हैं तो इसका पूरा ए बी ले लेना होगा, इसमें का अगर ए ई लेते हैं है ना, तो इस पूरे वाले ट्रायंगल का हमें ए सी ले लेना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए डी हमें फाइंड करना है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए ई 1/4 है ए सी का और बाई में नीचे ए सी, ए सी से ए सी हटा देंगे, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ए डी इक्वल टू में हो जाएगा 6/4 सेंटीमीटर या 2 और यहाँ 3, यानी ए डी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर